हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो वी हैव एक्सप्लेन एक्सरसाइज 3.1। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। इज द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ रियल कोफिशिएंट्स। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग द अल्फाबेट डिवाइड द एफ एक्स जी एक्स एंड द फॉर्मेट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 gx इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ फर्स्ट इज द डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करोगे? डिवाइड करना है द आई लर्न इन द एट्थ नाइन्थ क्लास, बट अगेन जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या, सॉरी जो डिविजर होगा डिविडेंड वो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स। डिविडेंड क्या होगा एफ एक्स, मतलब 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और जी एस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अंडरस्टूड? जी एक्स कहाँ आएगा? इस साइड आपका इस फॉर्म में होगा एफ एक्स जी एक्स, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा क्यू एक्स एंड रिमाइंडर क्या बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका आर एक्स। इस फॉर्म में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर देखो, जो फर्स्ट लेटर्स है, जो फर्स्ट नंबर्स है 3x स्क्वायर, इसको आपको रिमूव करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डिवाइड करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे क्या करोगे 3x से क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। मतलब आपको ये जो फर्स्ट नंबर है उसको रिमूव करना है, तो 3x में पूरे के साथ क्या होल नंबर के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 3x एक्स स्क्वायर क्या हुआ 3x की स्क्वायर, 3x का 2x के साथ करोगे 3 टू जा 6 xx क्या हुआ एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x। अंडरस्टूड? नाउ साइन चेंज करोगे, जैसे आप डिवाइड में अगर कोई भी नंबर्स होता है आप उसमें से 2 का मेरे को 16 में डिवाइड करना होता है, सपोज 17 का डिवाइड करना होता है तो 16 क्या करते हो माइनस करते हो, ठीक है। उसी तरह से सेम थिंग यहाँ पर भी क्या करोगे माइनस, ठीक है। इसको माइनस करोगे, फर्स्ट नंबर इज द कट, इसका ये वाला साइन को क्या करो भूल जाओ फर्स्ट नंबर, और ये जो लास्ट वाला साइन फॉर ये जो बीच वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको फॉरगेट करो, ये नया साइंस क्या हो जाएगा माइनस 6। तो प्लस 1 एस के आगे कोई नंबर नहीं तो वो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 6, क्या हुआ माइनस 5, क्या हुआ माइनस 5। तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, सेम थिंग 2 माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 5। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। वापस एक्सप्लेन करूँ, ये जो मिडल वाले साइंस है इसको आप फॉरगेट कर दो, ये वाला जो साइंस होते हैं उसको फॉरगेट करो। प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सेम थिंग प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 5 एट इट इज़ रखना है। फिर अब आपको यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला जो फर्स्ट नंबर है उसको रिमूव करना है। आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, क्या चाहिए आपको माइनस 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 5। माइनस 5 को उसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 10x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5। अंडरस्टूड? वापस क्या करोगे साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाली जो साइन देखनी है, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट नंबर ऐसे कट, माइनस 5 प्लस 5 कट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा प्लस 9x प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और ये जो क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्यू एक्स, ये क्या हो जाएगा आर एक्स और ये क्या हो जाएगा
क्यू एक्स, अंडरस्टूड। वापस एक्सपेंड कर रही हूँ, जो जी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा डिवीज़र, और जो अंदर जो एफ एक्स क्या हो जाएगा डिविडेंड। अब फर्स्ट नंबर को लीव करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एस की स्क्वायर की क्यूब, तो कितने चाहिए 3x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3x का 3 एस स्क्वायर, 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है तीनों के पास, तो तीनों के साथ क्या हो जाएगा माइनस, फर्स्ट नंबर कट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, अगेन माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 से, माइनस 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 5 बन जा 5। नाउ साइन द चेंज, फर्स्ट नंबर कट, माइनस 1 प्लस 10 9x प्लस 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 10, तो ये क्या हो जाएगा rx और वो क्या हो जाएगा gx, सॉरी qx। दे आर द फोर क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने फर्स्ट करा दिया, रेस्ट ऑफ थ्री डो क्वेश्चन द सेम इट इज़ है, तो आप डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम एट इट इज एज द डिवाइड, उसमें जी एक्स दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है। नाउ आई डू द सेकेंड का सेकेंड करा रही हूँ मैं, सेकेंड का सेकेंड, फर्स्ट यू डू योर सेल्फ। एफ एक्स है वो कहाँ हो जाएगा टी टी फोर प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, टी टू फोर प्लस 3t क्यूब माइनस 292 माइनस 90 माइनस 12 डिवाइड बाय टी की पावर स्क्वायर माइनस 3। इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लुक हियर, क्या चाहिए आपके पास, यहाँ पे कॉफिशन नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, टी की 2 है टी की 4 है, कितने टी कम है 2, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का इसके दोनों पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 3 जा 6 माइनस 6t स्क्वायर आएगा। देखो लुक हियर, 2t स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2t की पावर 4 माइनस 3 टू जा 6t स्क्वायर है, टी के क्यूब नहीं है तो टी स्क्वायर के नीचे इसके नीचे लिखना है, टी क्यूब के नीचे मत लिखना, किसके नीचे लिखोगे t2 स्क्वायर, यानी कहाँ पर आएगा दिस साइड 6t स्क्वायर, अंडरस्टूड, समझ आया। अब क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, जिसके पावर कॉफिशेंट है उसी के नीचे लिखना है, इसके नीचे मत लिखना। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अंडरस्टूड, ये क्या होगा कट, यहाँ पे अपने कोई साइन चेंज नहीं करी तो एट इट इज़ ये ऐसा का ऐसे हो जाएगा 3t की पावर 3 माइनस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस 4, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। नाउ अगेन, अब वापस क्या चाहिए आपको, टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की 3 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3t, ठीक है, 3t की क्यूब, 3 का माइनस 9t होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपने 3t, टी स्क्वायर माइनस 3, तो 3t की क्यूब माइनस 90 है, और 90 किसके आ जाएगा यहाँ पर आएगा, टी स्क्वायर के साथ नहीं है, कहाँ पर आएगा दिस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90। नाउ माइनस प्लस, दिस साइड इज अ कट, यहाँ पे क्या आया 40 स्क्वायर माइनस प्लस कट माइनस 12। नाउ अब किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस कट हो गया, आंसर आया 0, तो रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा 0 एंड क्यू एक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे टी, क्योंकि आपका वेरिएबल यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू टी, क्या हो जाएगा क्यू टी, और नीचे क्या हो जाएगा
आर टी. अंडरस्टूड? चेक योर. अब नाउ इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि डिवाइड द सेकेंड पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द फर्स्ट नॉर्मल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड. वेरीफाई दिया है तो वेरीफाई में इतना देखना है वेरीफाई है या नहीं. अगर वेरीफाई कैसे होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई यस. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाई. अगर जीरो नहीं आ रहा है रिमाइंडर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. वेरीफाई दिया तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो. अंडरस्टूड? वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो ये जो फर्स्ट सेकेंड नंबर को दिया है तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस थ्री और टी टू टी की पावर फोर. अगर एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मेरे को डिविडेंड बनाना है, किसको डिविजर बनाना है, तो जिसकी डिग्री पावर हाईएस्ट होगा वो क्या बनेगा, डिविजर, सॉरी डिविडेंड. जैसे यहाँ पे टी की पावर फोर है, यहाँ पे टी की पावर टू है, डिग्री किसकी हाई है, दिस फैक्ट पॉलीनोमियल्स की, तो ये पॉलीनोमियल्स क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये पॉलीनोमियल क्या बनेगा, डिविजर. नाउ अगेन टी टू स्क्वायर, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री टी. अब यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है तो टी स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर लिखना है, क्यूब के नीचे मत लिख देना, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पॉलीनोमियल लिखना है. दिस नंबर इज द सेम, इट इज माइनस टू प्लस सिक्स प्लस फोर्टी, और एट इज लेफ्ट ऑफ जो नंबर बचे वो. नाउ अब यहाँ पे थ्री टी प्लस में है तो प्लस थ्री टी, थ्री टी की क्यूब, ये एटिटीज रह जाएगा, और ये नाइन क्या हो जाएगा, नाइनटी. माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस, कट हो गया, फोर्टी माइनस ट्वेल्व, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर इज द जीरो, इज द योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेस्ट ऑफ टू क्वेश्चन डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम एज इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2s की 4 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, 2s की 4 माइनस 3s की क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2. क्वेश्चन को एक और लिख के चेक कर लिया करो कि राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है. उसका क्वेश्चन में लिखते रहे प्लस माइनस की मिस्टेक हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. अब उसमें दिया है इफ़ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल जीरो गिवंस, दो जीरो दिए हुए हैं, मतलब ये दोनों क्या हुए इसके, जीरो. जीरो मैंने आपको नाइन्थ क्लास में सिखाया था, जीरो क्या होता है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हुई है, एक तो रूट टू हो गई, और एक एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस रूट टू, मतलब एक्स की रूट टू और एक्स की माइनस रूट टू अगर इस पर पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो. इज कॉल द जीरो पॉलीनोमियल्स वी लर्न इन द नाइन्थ क्लास. नाउ एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो. जो प्लस है उसको लेफ्ट साइड लेके आओगे, सॉरी राइट साइड, लेफ्ट साइड में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. दिस नंबर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू. नाउ विच आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए प्लस बी. ए माइनस बी और ए प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू. एस स्क्वायर माइनस टू, तो दिस इज क्या हो जाएगा, जी एक्स. ये क्या बन जाएगा आपका, जी एक्स. ये पहले आपको सॉल्व करना है नोटबुक के अंदर,
उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कि डिवाइड करने के लिए आपको जी एक्स चाहिए, आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है, जी एस दिया है, तो जी एस कैसे निकालोगे, 20 दिए हुए हैं, 20 के इक्वल टू क्या करोगे, लेफ्ट को लेके जाओ माइनस में, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो को क्या करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके वो क्या हो जाएगा आपका जी एक्स। अब नाउ द डिवाइड इट, जी एक्स क्या हुआ, एस स्क्वायर माइनस टू, टू एस की फोर, माइनस थ्री एस क्यूब, माइनस थ्री एस स्क्वायर, प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। नाउ एक्स स्क्वायर एस की फोर कितना चाहिए, टू एक्स स्क्वायर। अब तो ये आपको आ गया होगा, टू एक्स की फोर चाहिए, तो टू एक्स स्क्वायर था, दो एक्स स्क्वायर कम है, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स की फोर माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर, तो कहाँ आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा। बस ये यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड, दिस इज़ द माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। नाउ साइन चेंज हो गई, कट करोगे एट इट इज़, ये ऐसा कैसे आ जाएगा, थ्री एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन किसका, फिफ्थ, यानी क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। नाउ यहाँ पे माइनस है, दिस इज़ अ माइनस थ्री एक्स, किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स की क्यूब, थ्री टू द माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स, यानी क्या आएगा प्लस सिक्स। नाउ प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू सेम है, तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, वन से, किससे करोगे, वन से, वन से इसे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, साइन चेंज माइनस प्लस, कट हो गया, आंसर क्या आया, जीरो। इसका आंसर जीरो आएगा क्योंकि उसने दो जीरो पॉलीनोमियल दिए हुए हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो नहीं आया तो क्रॉस चेक कर लेना कहाँ मिस्टेक करी है। अब उसने क्या दिया, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है, यानी आपके पास कितने जीरो होने चाहिए, फोर। अगर थ्री है तो थ्री जीरो, टू है तो टू जीरो, फाइव है तो फाइव जीरो। अब एक्स की पावर फोर है यानी फोर जीरो होने चाहिए, आपके पास टू जीरो है, दो जीरो और लेके आने, तो दो जीरो कैसे लेके आओगे, ये जो आपका आंसर आया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, डू द फैक्टराइजेशंस, टू का ऐसा पार्ट करो जो थ्री आए, तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, कॉमन निकालो टू एक्स बाहर निकल जाएगा, एक्स माइनस वन, माइनस वन बाहर निकला एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, द x इक्वल टू क्या हुआ वन, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आया वन अपॉन टू। ठीक है, तो दो आंसर इज, आंसर क्या हो जाएगा, दो जीरो, अगर ऑल जीरो पूछे तो ऑल जीरो में तो आप ये दोनों लिखोगे साथ में, और ओनली रिमेनिंग जीरो पूछे तो रिमेनिंग जीरो क्या हो जाएगा वन और वन अपॉन टू, इट्स योर आंसर, अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दो जीरो दिए हुए हैं, दो जीरो से पहले जी एक्स निकालोगे, जी एक्स निकालोगे उसका क्या करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका फैक्टराइजेशन करके उसके दो जीरो एक्स्ट्रा निकालोगे। अगर पावर फोर है, अगर थ्री होती तो वन जीरो एक्स्ट्रा निकलते या वन दिया हुआ होता, फाइव होती तो जितने आपको दिए उसके रिमेनिंग आपको जीरो फाइंड करने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड में आई गिव द हीट एंड सॉल्व यू डू योर सेल्फ, मैं जी एक्स और निकाल के दे रही हूँ आपको, और डू आप बाकी का आप क्या करोगे डिवाइड, और टू जो रिमाइंडर है वो अपने आप फाइंड करोगे। जैसे जी एक्स दिया फर्स्ट सेकेंड का, देखो सेकेंड
एफ एक्स आपको दिया हुआ है एस की 4 माइनस क्यू एफ क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 130 एक्स माइनस 35। ठीक है, जी एस कैसे फाइन करना है, टू पॉलीनोमियल दिए हैं प्लस माइनस रूट 3 ये दिया हुआ है। अब इसके जी एस निकालोगे, एफ एक्स दिया हुआ है जी एस निकालोगे प्लस माइनस यानी दोनों साइड दिया हुआ है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 2 प्लस रूट 3 और एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस का साइन यानी बॉस साइन, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। मैंने क्या बोला, दोनों साइड्स को क्या लेके आओगे, वन साइड। तो एक्स प्लस 2 है माइनस 2 प्लस 3 है माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम थिंग एक्स माइनस 2 है प्लस 2 तो माइनस 2 माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब एक्स माइनस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2 प्लस 3। लुक हियर, ये तो बन जाएगा आपका ए, ये क्या बनेगा बी। सेम थिंग ये क्या बनेगा ए, ये क्या बनेगा बी। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो दिस आइडेंटिटी, तो ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स प्लस 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 दिस इज द जी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका जी एक्स। अब इस जी एक्स को इसके साथ क्या करोगे डिवाइड, जी एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 और एफ एक्स क्या हो जाएगा 4 एक्स माइनस 6 एक्स की क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, ये आपका क्या बनेगा जी एक्स। अंडरस्टूड। अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद 2.0 फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करके 2 0 और फाइंड करोगे। नहीं समझ में आया वापस एक्सप्लेन पूछ लेना, आई डू द एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ थर्ड नंबर में देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया, ओनली माइनस 2 है, माइनस 2 है तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये थर्ड वाले में ये क्या बन जाएगा आपका जी एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस 2 तो x प्लस 2 ये आपका जी एक्स हो जाएगा। उसको पूरे नंबर से क्या करोगे डिवाइड, डिवाइड करने के बाद उसका फैक्टराइजेशन करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, एफ एक्स दिया हुआ है आपको एस की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स एंड क्यू एक्स रिमाइंडर बाय द पॉलीनोमियल जी एस, क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स, क्यू एक्स दिया हुआ है आपको एक्स माइनस 2 एंड आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, क्या फाइंड करना है जी एक्स फाइंड करना है। अब कैसे करोगे जी एक्स, लुक हियर, आपका ये फॉर्मूला हो गया एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जैसे इस तरह से आप डिवाइड करते हो, यहाँ पे एफ एक्स आता है, यहाँ पे क्यू एक्स जी एक्स, दिस इज द क्यू एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एक्स, इस तरह से होता है। तो एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये फॉर्मूला हुआ। मीन्स एफ एक्स में आर एक्स को क्या करोगे माइनस अपॉन क्या हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एक्स,
ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर याद नहीं हो तो ये वाला आपको पता ही है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, देन आर एक्स प्लस में उसको लेके जाओ माइनस में, अपॉन में क्यू एक्स करो तो क्या फाइंड हो जाएगा, जी एक्स। तो कैसे करोगे, अब इसके अंदर कैसे करना है, एफ एक्स ये रहा, क्या लिखोगे, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन में क्यू एक्स, अंडरस्टूड। अब इसको डिवाइड करो, इसको पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा उसके बाद डिवाइड होगा। कैसे करना है, एफ एक्स की क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह एस की क्यूब माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस आर एस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस फोर अपॉन क्यू एस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू। नाउ एस की क्यूब माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये एटिट्यूज लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस फोर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। नाउ एस की क्यूब माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस एक्स, लुक ये देखो, प्लस एक्स टू एक्स कितना हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स, प्लस टू माइनस फोर माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू। अब इसका डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, जी एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे एस की क्यूब माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड में ध्यान रखना रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और ये जो आंसर होगा वो बन जाएगा आपका जी एक्स। क्या बन जाएगा, जी एक्स, अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एफ एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है, जी एक्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जी एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। एफ एक्स लिखा माइनस आर एक्स क्या है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसको सॉल्व करोगे और एक्स माइनस टू से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा जीरो, और जो आपका आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका जी एक्स। तो 3.2 कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वेशंस। नाउ स्टैंडर्ड फ्रॉम द क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो मैंने नाइन्थ में बताया था, क्वाड्रिक इक्वेशन द डिग्री इज द पावर इज द टू, ठीक है, जिसके अगर इस तरह से दिया है ए एक्स प्लस बी, यानी इसकी डिग्री कितनी हुई है, वन, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, ये आपके नाइन्थ में आया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशंस। अगर ये है तो इक्वेशन क्वाड्रिक है, ये नहीं है क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसकी जगह ये भी हो सकता है ए एस स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्योंकि आपको क्या देखना है, डिग्री क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू, यहाँ पे डिग्री टू है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो 3.2 में, सॉरी 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक द फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक है या नहीं है, मतलब आपको कौन से फॉर्म में लेके आना है, दिस फॉर्म में। अब कैसे करोगे, देखो फर्स्ट वाला मैं करा रही हूँ, रेस्ट ऑफ थ्री क्वेश्चन फोर्थ अपने आप कर लेना। फर्स्ट नंबर एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू एट प्लस एट सॉरी प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। अब लुक यार, इसको क्या करोगे, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स प्लस एट इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस है, उस साइड भी एक्स स्क्वायर है, बीच में इक्वल है, दोनों क्या हो जाएंगे कट, तो एक्स प्लस एट
माइनस फोर इधर आ जाएगा, प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पावर क्या होनी चाहिए? टू आनी चाहिए, इसके पावर पावर कितनी है? वन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? नो। ये वन मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, एलसीएम लो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की क्यूब, तो क्या हुआ? एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये क्यूबिक होगा, क्वाड्रिक नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। इसकी डिग्री कितनी है? थ्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्यूबिक, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट सेम थिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी देखो, स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों कट हो जाएगा, नो हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या हो जाएगा आपका? यस हो जाएगा। तो टू डेज योर 3.1 का दो मैंने क्वेश्चन करा था, रेस्ट ऑफ टू योर डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क, डू एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So thank you, have a nice day.